रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई अर्जेंसी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में 30 जून को सुनवाई करेगा। हिंदू सेना ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। हाई कोर्ट ने कहा, जब फिल्म रिलीज हो गई, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप फिल्म के बारे में पहले से नहीं जानते थे? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन हैं। जब फिल्म का टीजर आया था तब आश्वासन दिया गया था कि विवादित हिस्से को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म की वजह से भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी असर पड़ा। नेपाल ने फिल्म को बैन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जो जुड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। उन्होंने कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर है। मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी अगले कुछ दिनों के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम भी शामिल है। इस बीच ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एलन मस्क ने लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में ठहरे पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत आने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वह अगले साल भारत दौरे पर आएंगे। एलन मस्क ने खुद को मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि भारत में दुनिया के किस अन्य देश के मुकाबले अधिक संभावनाएं हैं। मैं कह सकता हूँ कि पीएम मोदी भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। उनका नजरिया नई कंपनियों को लेकर बहुत उदारवादी है। वह अपने देश में नई कंपनियों का दिल खोलकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं मोदी का फैन हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से वीडियो संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जो योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका को भारत द्वारा सैन्य उपकरणों में विविधता लाए जाने को लेकर पूरा विश्वास है और उसका मानना है कि औद्योगिक सहयोग संबंधी वाशिंगटन का प्रस्ताव दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को एक दूसरे के साथ और मजबूती से जोड़ने में मददगार साबित होगा। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका अपने सभी साझेदारों और सहयोगियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे रूस के साथ लेन देन से परहेज करें। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा का स्वागत करते हैं। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 2 सप्ताह पहले भारत का दौरा किया था और वहां अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी।